गाड़ी है अंडरलोड या बिना मतलब परेशान कर रहे हैं। कांटा पर्ची भी दिखा दी, आओ कह रहे कांटे पे लेके चलो, ये अपने कांटे नहीं सही करवा रहे जे। अब कितना आ रहा है भैया? फिर बता भैया कितना आ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ भैया, हम झूठ थोड़ा बोलेंगे यार, कांटा पर्ची अपने तुम सही करवाओ ना कांटे। चलो कोई ना। हाँ यार, हम झूठ थोड़ा बोलेंगे तुम्हारे से यार। ये हाल है इनका कांटो वालों का। हम पहुंच गए जी मुरादाबाद बाईपास, तो अपने जाएंगे जी मेरठ हो गए, क्योंकि उधर से सब फोल लेनी होगी। इधर से अभी वही ना मुरादाबाद से नो एंट्री खुलेगी कम से कम 10 बजे। ये बाईपास भी बहुत टूटा हुआ है, इसलिए सीधे मेरठ होके चले जाएंगे। जब तक मेरठ की नो एंट्री खुलेगी जब तक अपने पहुंच जाएंगे मेरठ। क्यों ले लें जब गाड़ी अंडरलोड है? पीछे करवा के बैक करवा लो, एक बार बैक करवाओ ना, एक बार दोबारा चढ़वाओ डाल लो। हाँ यार, 35 टन गाड़ी अंडरलोड चलते हैं। हम कांटा पर्ची मेरे पास है, 40 टन आ रहा है। ये देखो यार, कांटा पर्ची नहीं चलाई भैया, आप कांटे पे ले लो। देखो जे नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, जे मेरी गाड़ी अंडरलोड हो रुपए अंडरलोड है। हाँ क्यों करा रहे हैं तुम कांटे पे जाने? मैं कांटे पे चल जाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जे मेरी गाड़ी अंडरलोड हुई फिर यार परेशान करने वाली क्यों बात है? जब हम कह रहे हैं कांटा पर्ची हमारे पास है यार, आरटीओ हमारे देख नहीं रहे कागज, ये डुप्लीकेट कागज लगाए हुए हमने। हमको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। नहीं फिर मैं वही कह रहा हूँ, दोबारा बैक करके चढ़वा लो। हाँ अभी चलवा लो, बैक करके चढ़वा लो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, बैक करके चढ़वा लो। जब गाड़ी अंडरलोड है 35 टन भैया ना, कांटा पर्ची पास में लगी हुई, बीच में जो कांटा पर्ची लगी हुई है यार, जो झूठ बोल रहे हैं यार ये। हाँ मैं यार झूठ थोड़ा बोलूंगा जितना। सामने यार हम झूठ थोड़ा बोल रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ ये कांटा पर्ची में तुम्हारे पूरा बजनवा, फिर यार परेशान वाली बात करते हो तुम तो यार। यार टोल पे पंगा पड़ गया, अरे गाड़ी ओवरलोड है तो फिर कांटा करवाया। अब बड़ा थोड़ा सही है, कह रहे सही है, तो कांटे अपने नहीं सही करवा रहे, दूसरों को परेशान कर रहे हैं जी। यही हाल है इनका। अब वजन सही भी आ गया इनका। अब देख, आप कह रहे हैं कि नहीं यार कोई नहीं गलती हो गई, ये बुलाना है, कांटे नहीं सही करवा रहे अपने जे। आ गए जी गढ़ गंगा, गंगा नदी पे, हर हर गंगे। गंगा के किनारे सभी जो अपने बैठने वाली कुर्सियाँ कर्सी हैं और कई कुछ बनाते हैं जे, सब ये गंगा किनारे बैठते हैं सारे कूड़े बाड़े, क्या कहते हैं इसे पता नहीं मैंने, तो ये कानों के बनाते हैं सारे, कलाकारी है पूरी इनकी। अब गई टोल पटा मेरठ के लिए ड्राइवर हाथ, सीधे चल गया जी गाजियाबाद दिल्ली रोहतक जयपुर, मुड़ जाएंगे जी बाएं को मेरठ। बाएं को मेरठ सीधे चल गए दिल्ली, जहां से घूमेंगे जी बाएं ड्राइवर हाथ, सीधा गया जी मेरठ। मेरठ से जाएंगे शामली, शामली से करनाल, एंटर कर गए जी मेरठ शहर। यहाँ से अपने घूम जाएंगे ड्राइवर हाथ बाईपास, सीधे चल गए अंदर, अंदर से अभी रश होगा क्योंकि 10 बजे हैं अभी, तो अपने बाहर बाहर से निकल जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो रोड है उधर से निकल जाएंगे जी। ये अपने आगे जी बाईपास, ये सारा बाहर मिलिट्री कैंट हो निकल जाएगा जाकर, अंदर मेट्रो का काम भी हो रहा है उस चक्कर में ज़्यादा जाम लग रहा है,
बार बार से सही है, अभी ट्रैफिक भी ज़्यादा है अंदर से, तो बार बार से निकल जाएंगे। आ गए जी मेरठ, इधर हो रहा है जी मेट्रो का काम। रोड करा हुआ है डाइवर्जन, ये कैंट हो गए, मिलिट्री कैंट हो गए। भगवान जी छोड़े, चल रहा सारा काम। पहुंच गए हैं जी शामली। बापू यार रोजगार होना जाम, चाहे दिन आ जाओ चाहे रात, जाम ही जाम है। दो बज गए हैं, जाम ही जाम है। लाइन लगी बड़ी है उधर से भी, करनाल की तरफ से बहुत जाम लगा हुआ है शामली में। ये रोज का ही काम हो गया, अब जब तक यही हाल रहेगा। चलो जी जाम कहाँ आ गया, पहली लाइन भी बंद पड़ी है, इधर वाली भी डबल लगा दी है, बहुत जाम पूरा लगा हुआ है आज तो। लाइन उधर वाली बंद पड़ी है जो, और ये इधर से और रॉन्ग साइड आ गए। इनकी मंडी है आलू की सेब की, बहुत बुरी तरह फंस गए वो भी इसमें। कम से कम अच्छे जाना पहुंचने लगे हम, बहुत लंबा जी। से कम 15 किलोमीटर तक है जी जाम, आगे कुछ नहीं है क्योंकि पहले जाम लगा होगा फिर आगे। अब नींद का भी टाइम है, 2:30 बज गए हैं। जो हल्का एक बार ब्रेक लग गए, हल्का सीट पे सो गया तो सो गया, क्योंकि अब ड्राइवर भी क्या करे, दो दिन लगे होते हैं, दो तीन दिन में क्या करे बेचारा। अब सुस्ती पड़ गई, सो गया तो वहाँ, और सोने की वजह से जाम लगा हुआ आगे। कुछ कोई शहर में जाम नहीं है वैसे, ये हो गया जी झगड़ा इनका, टूट गया शीशा, पता नहीं क्या हो गया, नहीं जाम बहुत लगा हुआ है। एक बंद
देखो जल्दी है, जाम लगा हुआ है, उसके चक्कर में देख नहीं रहा कोई। फिर जाम लगा हुआ है जी, जाम 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 ने बस करवा दी। फिर रॉन्ग साइड गाड़ियां आई हुई है सब, करते आराम। 4:30 हो गए हैं, जाम में 1.5-2 घंटे खराब हो गए। ठंड ज्यादा हो गई है, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖੋਲ ਦੀ ਤਰਪਾਲੇ, ਆ ਬੋਏਗਾ ਜੀ ਸੈਂਪਲ, ਇੱਧਰ ਸੈਂਪਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਬਈਆ ਵਾਲੀ ਤਰਪਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਪਾਲੇ ਖੋਲਦੇ ਉੱਤੇ।